गोसलपुर के कटरा गांव में 65 फीट की माता महाकाली की प्रतिमा विराजी। दर्शन करने लग रही अपार भीड़। 19 दिन में तैयार हुई प्रतिमा, आज शरद पूर्णिमा को होगा विसर्जन। तहसील मुख्यालय सियोरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे गोसलपुर के निकटवर्ती ग्राम खमरिया कटरा में गत वर्ष की भांति 30 वर्ष भी खैर माता मंदिर प्रांगण खमरिया में 65 फीट की विशाल मनमोहक महाकाली की प्रतिमा पंचमी तिथि को विराजित की गई है, जिसका विसर्जन उसी स्थान में विसर्जन कुंड बनाकर किया जाएगा। ये प्रतिमा जहां स्थापित होती है वहीं बनाई जाती है। ग्राम खमरिया निवासी पंडित रवि मिश्रा ने बताया कि वे अपने हाथों से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस प्रतिमा को 19 दिन में बनाकर तैयार की। श्री मिश्रा ने बताया कि उन्होंने ये प्रतिमा खेत की मिट्टी, गोबर, बांस, बल्ली, पुवाल, जूट की बोरी से तैयार की है। इनके द्वारा गत वर्ष भी इसी स्थान पर 61 फीट की माता महाकाली की प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को देखने गोसलपुर, सिहोरा, पनागर, जबलपुर, मझगवां व आसपास के लगभग 2 दर्जन गांव के लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ गांव के भी कहलाने क्षेत्रवासी भी हैं और हम लोग। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा, मिश्रा जी, यहाँ जो मूर्ति रखी जाती है, जो माँ काली बनाई गई है, इसको लेके कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत बढ़िया महसूस होता है। ये लगता है कि सभी लोग आके एक छोटे से गांव में आकर दर्शन करें हमारी माँ के। और यहाँ पे क्या खास बात है? ऐसा बोलते हैं कि यहाँ मन्नतें आदमी मांगते हैं और उनकी पूरी होती है। मांगते हैं उनकी पूर्ति भी होती है। माता खैर माता है यहाँ जी। इसके पहले वो 51 माता की मूर्ति रखी गई रही, वो कब रखी गई रही? 54 मूर्ति तीन वर्षों से रख जा रही है यहाँ पर। चैत के उसमें नवरात्रि में रख जाती है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। 2013 में मैं यहाँ पे ग्राउंड बनवा रहा था जी, और फिर 2013 में मेरे यहाँ एक मारुति नंदन यज्ञ हुआ जी, जिसका आयोजक संयोजक अपने ही थे और सुरेंद्र दास महाराज की कृपा से ये यहाँ का यज्ञ मेरा पहला काम था। और पार्थिव शिवलिंग कभी भी जब भी मलमास यानी पुरुषोत्तम माह जब भी होगा वो श्रावण मास होगा जी, जी। तब मैं बरहम्बेश जो है आकृति वाले शंकर जी बनाते बनाते आजकल आकृति वाले बनाने लगा जी, जी। और उस समय से ये देखा कि यहाँ पे 100-200 कन्याओं का विवाह भी हो चुका है इसी स्थान में, और 3 बार यज्ञ और मूर्तियों का, ये महाकाली की मूर्ति ये 4थी बार है जी। और ये जब भी कैसी भी बनाओ तो स्वरूप यही आता है जी, जी। हम कैसी भी कोशिश करें कि कुछ बदलाव करें तो चाहे ऊंची हो जाए चाहे जैसी भी हो जाए, और एक मूर्ति एक प्रदर्शन के लिए यहाँ नहीं रखी जाती। यहाँ मूर्ति का सिर्फ एक है कि भगवती खुद कराती है और भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पे लोगों की जो रोक्ष में परोक्ष में ऐसे सैकड़ों नहीं मतलब 10,000 आदमी लोगों की अपन ने देखा कि, और वो ही अपने शिष्य लोग हैं कि यहाँ हम जब भी कोई अपनी बात रखे या समस्या रखे तो उसका निदान भी होता है। तो क्योंकि मैं पेशे से मूर्तिकार हूँ नहीं, मैं पूर्व सरपंच हूँ और अभी भी मेरा ये जो मशीन के काम देखते हैं वो सरपंच हैं, और बोरिंग का काम है मेरा, खेती बाड़ी है, तो ऐसा मूर्ति वूर्ति का, और इसके अलावा कहीं कभी चाहे जितना भी ऑफर आए तो ये मूर्ति के लिए नहीं जाता। यहाँ माता भगवती की कृपा से छोटा गांव है और अपनी टीम के साथ में मेरे पास सिर्फ नक्शा डालना, बांधना और फिनिशिंग देना, बताना, बाकी सहयोगी टीम है मेरे पास, सरपंच नानवती श्याम लाल, सदन भाई शैलेश मिश्रा, प्रेम शंकर मिश्रा, संतोष मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, गजराज ठाकुर, देवलाल चौधरी, शिव गोंटिया, अज्जू काछी, ऐसे बिंदु और लच्छू, ऐसे 10-12 लोग हैं जो कि
हम लोग मिल के बनाते हैं उनके सहयोग से। ठीक है मिश्रा जी, अकेले का करने जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।